मैं दिखाता हूँ। ये हमारे एक पेशेंट हैं केशव देव जी, इनको ये फ्रैक्चर हुआ था करीबन 3 महीने पहले। उसके लिए हमने इनको एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया था, लेकिन कुछ पर्सनल कंडीशंस की वजह से इन्होंने प्लास्टर जल्दी रिमूव कर दिया और अब करीब इनको 3 महीने हो गए हैं दिखाई वो, और इनकी बोन जुड़ नहीं रही है। हाँ, यहाँ पे मूवमेंट है, ठीक है, जब भी कुछ उठाते हैं तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये वाली फिंगर जो है वो स्टिफ हो गई है, तो अब हमारा ट्रीटमेंट क्या रहे? तो ये बात पहले तो ये समझनी होगी कि प्लास्टर में दिक्कत है तो आपको बताना है, खुद से निकाल नहीं देना उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हड्डी को जुड़ने के लिए एक पोजीशन में बैठाना ज़रूरी है, और उस पोजीशन के अंदर वो जब रुकेगी तभी हील होगी, सही होगी। अगर हम प्लास्टर को निकाल देंगे तो बैठ ही नहीं रहेगी तो जुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये परेशानी हुई है। अभी आप दूसरी चीज़ की क्या परेशानी है कि आप फिंगर्स नहीं चला रहे हो, उंगली नहीं चला रहे हो, ठीक है भाऊ जी। उंगली चलानी है, उंगली सिर्फ ऐसे ही नहीं, दूसरे वाले हाथ के सहारे से चलानी पड़ेगी। दूसरे वाले हाथ के सहारे से इसको दबाओगे या फिर कोई रिलेटिव आपकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? एक उंगली को गर्म पानी में डालेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसके अंदर हाथ डाल देंगे, डालने के बाद चलाएंगे इसको ऐसे, क्योंकि जोड़ जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है गर्म में, तो चलेगा ज़्यादा। इसको एक जगह दबा के रखेंगे, 10 तक गिनेंगे, ठीक है। ऐसे दबा के रखेंगे, 10 तक गिनेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर सीधा करेंगे। पूरा सीधा करना भी ज़रूरी है हमें, और मोड़ना भी। अभी मुड़ कम रहा है, हमारी फिंगर आमतौर पर पूरी मुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें इनको लेके आना है, और वो ज़्यादा समय नहीं बचा है इसके लिए। तो हाथ में जब भी फ्रैक्चर हो, कहीं पे भी वो, यहाँ पे हो, कोहनी में हो, कंधे में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन हमारा हाथ चलना चाहिए। अगर हाथ नहीं चलेगा तो फ्रैक्चर सही हो भी जाएगा तब भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे हो कि मेरी ये चीज़ सही हो जाए फिर मैं इसको चलाऊंगा या इसको इस्तेमाल करूंगा, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने समय में क्या होगा, ये सारे छोटे छोटे जोड़ जो है हमारे वो सारे ख़राब हो जाएंगे। और जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, उठाते हैं, इन सब एक्टिविटी में हमें परेशानी होगी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ये जोड़ जाम हो जाए। तो जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखना है, उनको ताकत देनी है। ताकत कैसे दोगे? एक बॉल लोगे, ठीक है, बॉल देनी है बाबू जी को, वो दवाएँ दवाने के लिए बोलना है, ताकि स्ट्रेंथ रहे, ताकत रहे, और दूसरी मूवमेंट रहे। दो चीज़ें ज़रूरी है इसके अंदर, जॉइंट की मूवमेंट और मसल्स की ताकत। तो ये किसी भी फ्रैक्चर में ध्यान रखना है, ठीक है। कंधा चला रहे हो ऊपर, पेन हो जाए, ये चलाना है, आदत डालनी है इसकी, आदत छूट जाएगी नहीं तो अपनी। हाँ, दूसरा वाला हाथ पकड़ के चलाएगी भले ही, ठीक है। कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, उसमें भी आराम होगा आपको, ठीक है।